अमृतसर शहर की सड़कों पर घूम रही गायों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर रोहन मेहरा। जी हां, अमृतसर की सड़कों पर घूमने वाली गायों की मांगों को लेकर आज गौरक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा ने दीनदयाल मार्केट भंडारी पुल के ऊपर अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस मौके पर डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि उनकी संस्था की ओर से काउ सेस को लेकर कई सालों से विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं और विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन इस संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं दी गई। जब पंजाब सरकार ने 2016 में गौ सेस लागू किया और विभिन्न जिलों में 500 गौशालाएं बनाने को कहा था, तो सरकार 500 गौशालाएं बनाने में विफल रही। पंजाब सरकार ने लोगों से तेल टैंकरों पर 100 रुपये, अंग्रेजी शराब की एक बोतल पर 10 रुपये, देसी शराब की एक बोतल पर 5 रुपये, सीमेंट की एक बोरी पर 1 रुपये व बिजली बिल पर प्रति यूनिट 2 पैसे, एसी मैरिज पैलेस पर 1000 रुपये वसूले, नमक एसी विवाह पैलेस पर 500 रुपये व 4 पहिया कार खरीदने पर 1000 व 2 पहिया कार खरीदने पर 200 रुपये, लेकिन कुछ विभाग इसे चार्ज कर रहे हैं। जबकि विभाग ने जो राशि जमा की है उसे सरकार गौशाला निर्माण पर खर्च नहीं कर रही। इसके कारण सड़कों पर गाय सर्दी गर्मी में भूख और प्यास से जूझ रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों की जान माल की हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सड़कों पर करीब 1 लाख गायें हैं और लगभग 10,000 के करीब पंजाब में हर साल सड़क पर गायों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। अमृतसर की सड़कों पर छोड़ी जाने वाली दुधारू गायों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अज साडे जिहड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा ने उन्होंने अज भुख हड़ताल रखी है इतने गौं के मामले, क्योंकि बहुत सारिया गौं जड़ियाँ सड़कों पर घूम रही ने। सरकार ने काउसेस से इकट्ठा करना शुरू किया हो पर उन्होंने कभी लगाया नहीं है, तो साड़ी मंग है कि जोड़ा काउसेस इकट्ठा किया मतलब कि सारा जो भी है गौं पर लगया जाए और जेडे भी डेयरी वाले ने सिटी के अंदर ने उन्होंने सिटी तो बाहर किया जाए ता जो सड़कों पर घूम रही गौं जो घट हो सकन और लोगों के एक्सीडेंट ना हो। सा मसला हल नहीं होंगे तो असं इतने बैठे रहेंगे, भावें सूँ 2 दिन लग जा 4 दिन लग जा और हौली हौली असं जिन्हें भी शहर दौं ने सारिया लिया के इतने भंडारी पुल से छड़ देवे और भगवंत मान के पुतले साड़ा और रोस प्रदर्शन जोड़ा होर भी तेज़ कर। प्रशासन जोड़ा सुता आया वै जानवर ज गऊ माता जी है उन्होंने वोट नहीं दिंदी भी वो वोटा के भुखे ने जे वो वोट दे सकते तो उन्होंने वास्ते कुछ कर दे इस करके वो चुप करके सुते हुए इन्ह को वोट मिलनी है जो सूँ कि इन्ह को फायदा है जोड़े पैसे कट्ठे करते हैं वो बस अपने जमा करके उन्होंने रखे हुए जो खाई जाते करप्शन है सारी इस करके वो सुते हुए ने। हाँ जी, अज असी भुख हड़ताल से बैठे हैं जी। बहुत ही अहम मुद्दा जोड़ा पंजाब सरकार का है वह जेदे पंजाब सरकार कई सालों से चुप करके बैठी है। सब तो पहला मैं दसना चाहना वा कि साल 2016 तो जोड़ा पंजाब सरकार ने काउसस एक शुरू किया जेदे उन्होंने कहा कि 2000 जोड़ा हूँ काउसस शुरू किया गया 2016 के ये जड़ा जदों काउसेस इकट्ठा होएगा ये नाल पूरे पंजाब दे 500 तो वध जड़ियां गौशाला खोलियां जाणगियां वख वख जिलों के अलग अलग पिंडां दे अलग अलग शहरां दे विच। लेकिन हाले तक जड़ा वा कोई भी सरकारी गौशाला असीं कहांगे पूरे पंजाब दे विच वास्ट लैवल दे अच्छे लैवल दे कोई भी पंजाब सरकार वल्लों काम नहीं किया गया।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗੋਲਬਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਗਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਿੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 1 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹਦਾ 1,000 ਰੁਪਈਆ, ਨੌਨ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਈਆ, 4-ਵੀਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 1,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ 2-ਵੀਲਰ ਆ ਉਹਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ, ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 2024 ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕਾਓਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਓਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ